शब्द ज्ञान। वर्णमाला। स्वर। अ अनार, अदरक, अजगर। आ आम, आलू, आग। ई इमली, इमारत, स्त्री। ई ईख, ईसा, ईश्वर। ऊ उल्लू, उपवन, उपहार। ऊ ऊन, उद्बिलाव, उषाकाल। पढ़ें। अ आ, ई ई, ऊ ऊ। मेरा जवाब। इमली का स्वाद कैसा होता है? फलों का राजा कौन होता है? री ऋषि, ऋषभ, ऋतु। ए एक, एड़ी, एक तारा। ए एनक, एरावत, एक्टर। ओ ओखली, ओढ़नी, ओले। ओ औरत, औषधि, औजार। अंग अंगूर। अह ह ह। पढ़ें। री ए ए ओ ओ। अंग। मेरा जवाब। हल में किस जानवर को जोड़ा जाता है? भारत में कौन कौन सी ऋतु पाई जाती है? अध्यापन संकेत। अध्यापक उपरोक्त वर्णमाला के स्वरों को पहले स्वयं पढ़ें, फिर अपने पीछे बच्चों से बार बार इसका सही उच्चारण करवाएं। बाद में बच्चों को इनको स्वयं पढ़ने के लिए प्रेरित करें। व्यंजन। क कबूतर, कमल, कलम। ख खरगोश, खरबूजा, खटमल। ग गमला, गुड़िया, गाजर। घ घर, घड़ी, घड़ा। ळ मेरा जवाब। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? खरगोश किस रंग का होता है? पढ़ें। क ख ग घ ळ। च चिड़िया, चरखा, चूहा। छ छतरी, छड़ी, छल्ला। ज जहाज, जग, जोकर। झ झंडा, झरना, झूला। अणा मेरा जवाब। घड़ी का उपयोग कौन करते हैं? आपके कपड़े कौन कुतरता है? पढ़ें। च छ ज झ णा। त तब, टम टम, टमाटर। ठ ठेला, ठप्पा, ठठेरा। द डमरू, डिब्बा, डंडा। ढ ढक्कन, ढोलक, डफली। ळ मेरा जवाब। ठठेरा क्या काम करता है? खाने को किस चीज से ढका जाता है? पढ़ें। त ठ ळ ढ ळ। त तरबूज, तितली, तबला। थ थर्मस, थैला, थाली। द दरवाजा, दवात, दरी। ध धनुष, धोबी, धन। न नल, नहर, नाक। मेरा जवाब। तरबूज का स्वाद कैसा होता है? आप खाने को सूंघने के लिए किस अंग का इस्तेमाल करते हैं? पढ़ें। त थ द ध न। प पतंग, पक्षी, पपीता। फ फल, फूल, फौजी। ब बस, बकरी, बिल्ली। भ भालू, भवन, भगत। म मोर, मछली, मटर। मेरा जवाब। आपने कभी पतंग उड़ाई है? कक्षा में बताइए। मछली कहाँ रहती है? पढ़ें। प फ ब भ म। य यज्ञ, यान, यात्री। र रथ, रस्सी, रजाई। ल लड़का, लहसुन, लट्ठू। व वक, वन, वस्त्र। श शलगम, शहद, शंख। पढ़ें। य र ल व श। मेरा जवाब। वन में कौन कौन रहते हैं? शहद किससे प्राप्त किया जाता है? ष षटकोण,
षोडश षटभुज, स सेब सड़क सपेरा, ह हल हलवाई हथेली। मेरा जवाब, बीन कौन बजाता है, मिठाई कौन बनाता है। संयुक्त अक्षर, श क्षत्रिय क्षेत्र क्षत्राणी, त्र त्रिकोण त्रिशूल त्रय। अध्यापन संकेत, अध्यापक एक एक व्यंजन का बच्चों से बार बार सही उच्चारण करवाएं, उन्हें चित्र दिखाकर समझाएं कि किस प्रकार उस व्यंजन से यह शब्द बना है। इन चित्रों के अतिरिक्त अध्यापक अन्य उदाहरण भी दें, जिससे बच्चे व्यंजनों के बारे में भली भांति समझ सकें। ज्ञ ज्ञान ज्ञानी ज्ञापन, श्र श्रमिक श्रीमान श्रवण। मेरा जवाब, लकड़ी का काम कौन करता है, अपने माता पिता को कंधे पर बिठाकर किसने घुमाया था। नीचे बिंदी वाले शब्द, ळ पेड़ सड़क खड़ग, ढ पढ़ना चढ़ना बढ़ई पढ़े, क्ष स ह श त्र ज्ञ र ळ ढ। अध्यापन संकेत, श त्र ज्ञ मूल वर्ण नहीं है, ये संयुक्त वर्ण है। श क जमक श, त्र त जमर र, ज्ञ ज जमण, श्र भी संयुक्त वर्ण है, श जमर र, ळ जमर ढ के नीचे बिंदी लगाने से ळ और ढ बन जाते हैं। यह कक्षा में बच्चों को समझाएं। पढ़ो और याद करो स्वर जिनकी मात्राएं लगती हैं, अ ई ई उ उ रि ए ए ओ ओ। व्यंजन जिन पर मात्राएं लगती हैं, क ख ग घ ळ, च छ ज झ ण, त ठ ळ ढ ळ, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र व श क्ष स ह, श त्र ज्ञ श्र ढ ढ। अ की अलग से कोई मात्रा नहीं होती, पर यह हर व्यंजन में मिला रहता है। मेरा जवाब, किस वर्ण की अलग से कोई मात्रा नहीं होती, आइए पहचान कर पढ़िए। अ ब व क्ष उ, ए ख व ध ग, ई च छ त घ, त ए क्ष ळ अं, क य द ओ रि, र थ न ज क्ष, त्र श्र ह स अं, ओ फ ल उ ळ, म आ ळ ढ न, ग्य भ प झ ण। मेरा जवाब, क्षत्रिय बाजार में कौन कौन से व्यंजन वर्ण हैं? चित्र देखकर उसके नाम के पहले वर्ण का मिलान करें। मेरा जवाब, क्षत्रिय और ज्ञानी में पहला वर्ण कौन सा है? वर्णमाला अभ्यास, पाठ का उद्देश्य पहचान, स्वर व व्यंजन में पहचान होगी, सीखेंगे सभी मात्राओं को समझ पाएंगे। दिए गए वर्णों में से स्वरों पर गोले का निशान लगाओ, जैसे अ न ल ओ ई म अंग, उ प च ट ए स ळ, ई ف घ अ र ओ झ, ए ज श उ रि अह। मेरा जवाब, स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, कक्षा में सुनाइए। खाली स्थान में उचित व्यंजन भरो। अध्यापन संकेत, अध्यापक स्वर व व्यंजन पढ़ाने के बाद कक्षा में छात्रों से स्वर और व्यंजन पूछें। दो वर्णों के बिना मात्रा के शब्द, ब जमा स बस, र जमा थ रथ, घ जमा र घर, थ जमा न थन,
मेरा जवाब, बस और रथ में कितने वर्ण हैं? त जमा ब, तब, ज जमा ग, जग, अध्यापन संकेत। पहले अक्षरों को अलग अलग पढ़वाएं और फिर बनने वाले शब्द को एक साथ पढ़वाएं। य जमा ज्ञ, यज्ञ, ध जमा न, धन, फ जमा ल, फल, व जमा ट, वट, न जमा थ, नथ, र जमा स, रस। मेरा जवाब, यज्ञ कौन करवाता है, नथ कहाँ पहनी जाती है, ह जमा ल, हल, व जमा न, वन। देखो और पढ़ो। मेरा जवाब, फलों को खाने के क्या फायदे हैं, पाठ का उद्देश्य समझेंगे। दो अक्षरों की कहानी को लय में पढ़ना। फल, हल, नल, जल, कल, पल, नस, बस, कस, रस, दस, दस, कर, घर, नर, डर, सर, पर, कम, बम, तम, दम, गम, चम, जग, मग, ठग, पग, नग, खग, पत्र, छत्र, इत्र, यत्र, तत्र, सत्र, जड़, छड़, धड़, चढ़, बढ़, पढ़, यश, हट, जल, भर, कप, रख, यश, घर, चल, अब लड़ मत, दस्तक, पढ़, सच, सच कह, सब फल रख, बस पर चढ़, चल अब, फल चख, सच धज कर चल, चल कर खत पढ़। अध्यापन संकेत, अध्यापक दिए गए शब्दों में से एक छोटी कहानी बनाएं और कक्षा में छात्रों के साथ गुनगुनाएं। देखो और पढ़ो। पाठ का उद्देश्य समझेंगे। कक्षा में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यश, बस पर चढ़ कर घर चल कर सब फल रख कर नल पर चल कर एक टब भर कर रख, छत पर मत चढ़। मेरा जवाब, अंगूर किस रंग का होता है, यश अब लड़ मत, घर चलकर खत पर, दस्तक पर, सच सच कह। अध्यापन संकेत, पहले बच्चों को शब्द पढ़ाएं, वाक्य पढ़ने का सही ढंग सिखाते हुए बच्चों को बताएं कि वाक्य पढ़ते समय शब्दों की निकटता रहनी चाहिए ताकि वाक्य में कही गई बात स्पष्ट हो सके। यहाँ पूर्ण विराम के विषय में बच्चों से चर्चा कर लेना प्रासंगिक होगा। आओ अभ्यास करें। पहला, पहचानो और जोड़कर पढ़ो। ब जमा स, बस, र जमा थ, रथ, घ जमा र, घर, थ जमा न, थान, त जमा ब, तब, ज जमा ग, जग, य जमा ज्ञ, यज्ञ, ध जमा न, धन, ف जमा ल, फल, व जमा ट, वट, न जमा थ, नथ, र जमा स, रस, क जमा प, कप, ग जमा ज, गज, ख जमा त, खत, व जमा न, वन। मेरा जवाब, बड़े बड़े दांतों वाला जानवर कौन है? दूसरा, चित्र पहचान कर दिए गए शब्दों में से सही शब्द छांट कर लिखिए। छत, मग, हल, जग, रथ, थन। मेरा जवाब, हल किन चीजों से बना होता है? तीन, चित्र देखकर वाक्य पूरा करो। डैश पर जल भर, डैश पर मत चढ़, डैश रख, डैश चक, डैश पर मत चढ़, डैश पर चल। चार, चित्र देखिए और वाक्य पूरा कीजिए। डैश रख, डैश चक, डैश मत। पाँच, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। थक मत, लड़ मत, फल चक, अब पढ़, जल भर, तब रख, बढ़ चल, रस चक। मेरा जवाब, गज किसे कहा जाता है? छः, पढ़ो और समझो। बस, सब, जग, गज, चर, रच, लत, तल, सज, जस, बक, कब, नट, तन, मन, नम। तीन वर्णों के बिना मात्रा के शब्द।
मेरा जवाब रजत का अर्थ क्या होता है? क जमा ल जमा श कलश, ब जमा त जमा ख बतक, म जमा ग जमा र मगर, ब जमा ट जमा न बटन, र जमा ज जमा त रजत, श जमा ह जमा द शहद, ह जमा व जमा न हवन, र जमा ब जमा ड रबड़, च जमा र जमा ड चरण, क जमा म जमा ल कमल, म जमा ट जमा र मटर, न जमा या जमा न नयन। मेरा जवाब, भवन बनाने में किन चीजों का प्रयोग होता है? कक्षा में चर्चा कीजिए। क जमा ल जमा म कलम, भ जमा व जमा न भवन। पढ़ो तीन वर्णों के बिना मात्रा वाले शब्द, ठहर शहर, पहर लहर, डगर नगर, चरण करण शरण, चहल पहल तहल, गगन मगन, वचन नमन चमन लगन, अकल नकल इधर उधर, भगत जगत, बहन बटन मदन, पवन भवन हवन, अटक लटक चटक मटक, कटक घटक सड़क तड़क भड़क, अकड़ पकड़ जकड़, बतख मत पकड़ अजय मटर चक, अमर एनक पहन, रमन हवन कर, मदन भजन कर, कमल कलम उधर रहक, बहस मत कर इधर उधर मत भटक, समझ समझ कर पढ़, करण शहर चल। मेरा जवाब, आप किस नगर में रहते हो? बतख कहाँ रहती हैं? अध्यापन संकेत, कक्षा में बच्चों को शब्दों का निरंतर अभ्यास कराएं। अब आप पढ़ सकते हैं। अमन कलश पकड़कर नहर पर चल, नहर पर चलकर कलश भर, नहर पर उछल मत, रमन भवन पर चल, सड़क पर झगड़ मत, सड़क पर अकड़कर मत चल, मटक मटक कर मत चल, सड़क पर इधर उधर मत टहल, अजय समय पर उठ, अगर मगर मत कर। मेरा जवाब, मटका किस रंग का होता है? अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका उपरोक्त शब्दों को बच्चों को पढ़ाएं, शब्दों का इतना अभ्यास कराएं कि वे स्वतः पूरा शब्द एक साथ पढ़ने लगे। आवश्यक हो तो शिक्षक शिक्षिका इस अभ्यास कार्य में बच्चों की सहायता करें। आओ अभ्यास करें। मेरा जवाब, कमल कहाँ खिलते हैं? एक तीन अक्षरों को जोड़कर पढ़ो, ब जमा ट जमा न बटन, च जमा म जमा ख चमक, स जमा म जमा झ समझ, भ जमा व जमा न भवन, उ जमा प जमा र ऊपर, ग जमा न गगन, ज जमा त जगत, स जमा ड जमा ख सड़क, प जमा व जमा न पवन, क जमा म जमा ल कमल, ब जमा द जमा न बदन, ई जमा ध जमा र इधर, क जमा द जमा म कदम, भ जमा घ जमा त भगत। दो चित्र पहचान कर दिए गए शब्दों में से सही शब्द छांट कर लिखिए। तीन इन शब्दों को पूरा करो, भवन बटन गगन सड़क बतख भजन। मेरा जवाब, नमक का स्वाद कैसा होता है? चार क्रम बदल कर सही वाक्य बनाओ, लटक बस मत कर, बस पर मत लटक, कट फसल गई, फसल कट गई, कर बहस मत, बहस मत कर, घर अब चल, अब घर चल। पाँच चित्र देखिए और वाक्य पूरे कीजिए। छः सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए, धवल सड़क पर मत चल, गगन बहस मत कर, बहन कलश भर, रमन नमन कर, चमन बतख मत पकड़। सात पढ़ो और समझो, कल कलम, कल
नकल हल टहल मन दमन रण शरण हर नहर टर मटर रण चरण मेरा जवाब मगरमच्छ कहाँ रहता है। चार वर्णों के बिना मात्रा के शब्द ब जमा र जमा ग जमा द बरगद थ जमा र जमा म जमा स थर्मस ब जमा र जमा त जमा न बर्तन अ जमा च जमा ख जमा न अचकन मेरा जवाब क्या आपने कभी टमटम की सवारी की है। आपस में चर्चा कीजिए ट जमा म जमा ट जमा म टमटम श जमा ल जमा ग जमा म शलगम त जमा र जमा क जमा श तरकश उ जमा प जमा व जमा न उपवन मेरा जवाब अजगर कहाँ रहता है। आपने कभी उपवन की सैर की है कक्षा में बताइए। क जमा स जमा र जमा त कसरत अ जमा द जमा र जमा क अदरक ख जमा ट जमा म जमा ल खटमल ह जमा ल जमा ध जमा र हल्दर अ जमा ज जमा घ जमा र अजगर क जमा ट जमा ह जमा ल कटहल। पढ़ो चार वर्णों के बिना मात्रा वाले शब्द अचकन बर्तन उपवन बचपन पचपन मलमल खटमल दमकल मकमल परवल चमचम टमटम शबनम शलजम सरगम अदरक अजगर अकबर अरहर अचरज कसरत नफरत गणपत शरबत धनपत करवट नटखट झटपट पनघट खटखट खटखट लटपट कटकट सरपट टमटम अजमल उठ उठकर कसरत कर शबनम चल चलकर उपतनमल शलजम चक झटपट कर नटखट मत बन टमटम पर चढ़ दशरथ उपवन चल बर्तन भर कर रख तरकश रख कर बरगद पर चढ़ उपवन चलकर कसरत कर अनवर खटमल मत पकड़। मेरा जवाब कसरत करने के क्या फायदे होते हैं। अध्यापन संकेत शिक्षक शिक्षिका बच्चों को चार वर्ण के बिना मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करवाएं। अब आप पढ़ सकते हैं। मेरा जवाब शरबत बनाने में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं? अनवर टमटम पर मत चढ़ गणपत झटपट चलकर शरबत चक शबनम उपवन चलकर पनघट पर बर्तन भर कर रख अब सब बर्तन घर पर रख उपवन चलकर खटपट मत कर असलम इधर उधर करवट मत बदल गड़बड़ मत कर टमटम पर चढ़कर घर चल आओ अभ्यास करें। मेरा जवाब अदरक किस रंग का होता है। आप खाना खाने के लिए किन किन बर्तनों का उपयोग करते हैं। एक चार अक्षर को जोड़कर पढ़ो प जमा न जमा घ जमा ट पनघट अ जमा च जमा क जमा न अचकन अ जमा द जमा र जमा ख अदरक थ जमा र जमा म जमा स थर्मस ख जमा ट जमा जमा लाम खटमल ट जमा म जमा ट जमा म टमटम ए जमा ल जमा ब जमा म एल्बम श जमा ल जमा ग जमा म शलगम क जमा स जमा र जमा त कसरत अ जमा ज जमा ग जमा र अजगर ब जमा र जमा त जमा न बर्तन ब जमा र जमा ग जमा त बरगद प जमा छ जमा प जमा न पचपन उ जमा प जमा व जमा न उपवन। दो चित्र पहचान कर दिए गए शब्दों में से सही शब्द छांट कर लिखिए। मेरा जवाब मदारी कौन कौन सा कार्य करता है। तीन सही अक्षर से मिलान कर शब्द बनाइए। चार चित्र देखिए और शब्द पूरे कीजिए। पाँच सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। झटपट अचकन पहन अनपढ़ मत बन पढ़कर मतलब समझ
झटपट कसरत कर। शबनम पनघट पर चल। मेरा जवाब, पनघट किसे कहते हैं? 6. पढ़ो और समझो। हल टहल कटहल। पल पलट पलटन। सर सरक सर्कस। दम दमक दमकल। पट रपट सरपट। तन रतन भरतन। अट अटक अटकल। कम कमर कमरक। अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका शब्दों का इतना अभ्यास कराएं कि बच्चे स्वतः पूरा शब्द एक साथ पढ़ने लगें। इससे उनकी पाठ्य शक्ति विकसित होगी। आवश्यक हो तो शिक्षक शिक्षिका बच्चों की सहायता करें। अब आप पढ़ सकते हैं। छम 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 बरस बरस जल। कल कल छल छल बरस बरस जल। इधर बरस जल उधर बरस जल। इधर उधर सब जगह बरस जल। महल महल पर बरस बरस जल। सड़क सड़क पर बरस बरस जल। छम 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 बरस बरस जल। मेरा जवाब, बरसात का मौसम आपको बहुत पसंद है। कक्षा में छात्रों के साथ चर्चा कीजिए। चित्रों की सहायता से पढ़ें। यश बस पर चढ़। सफल चक। मेरा जवाब, जैम कैसे बनता है? कक्षा में शिक्षक के साथ चर्चा करें। सड़क पर मत चल। चल कसरत कर। कमल कलश पर रख। मदन ऐनक पहन। कलम पकड़। अनवर उपवन तक चल। अजय मटर इधर रख। जैम चक। दशरथ टमटम पर झटपट मत चढ़। चित्र देखो और कहानी समझो। मेरा जवाब, चित्र को देखकर आपको कौन सी कहानी याद आ रही है? कक्षा में सुनाइए। अध्यापन संकेत, अध्यापक एक एक चित्र दिखाकर बच्चों को कहानी सुनाएं तथा कहानी से मिलने वाली शिक्षा समझाएं। फिर बच्चों से कहानी के संबंध में सरल प्रश्न पूछें। चित्र देखो और कहानी समझो। मेरा जवाब, शेर का दोस्त कौन था? अध्यापन संकेत, अध्यापक एक एक चित्र दिखाकर बच्चों को कहानी सुनाएं तथा कहानी से मिलने वाली शिक्षा समझाएं। फिर बच्चों से कहानी के संबंध में सरल प्रश्न पूछें।